नमस्कार प्यारे बच्चों, आपने मतलब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आ की मात्रा वाले शब्द, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ई की मात्रा वाले शब्द, ई छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, तो आप सब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ई की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, उसके बहुत सारे उदाहरण मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। पहला शब्द है हिल। देखिए, ये जो छोटी ई है वो इस तरह से हमें यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से हम रख सकते हैं, हिल मतलब हिलना डुलना बंद करो जिसे कहते हैं हिल। दूसरा शब्द है दिन, दिन यानी कि डे, दिवस। देखिए, सब में छोटी ई ऐसे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे दूसरा शब्द है दिन। तीसरा शब्द है किताब, किताब यानी कि पुस्तक, आपके पास किताब जो है वो किताब। आगे वाला शब्द है मिल, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो ये मिल मिलना चाहिए, मिल। दूसरा शब्द है आगे तकिया। ठीक है, हम लोग रात को जो सोते हैं उसे के नीचे हम तकिया रखते हैं। देखिए, यहाँ पे मात्रा का मतलब ध्यान रखिए, ठीक है, तकिया। आगे वाला शब्द है गिटार, मतलब कई म्यूजिशियन लोग के पास हो रहा है गिटार प्लेयर जो होते हैं, ठीक है, ये है गिटार। आगे है दिल, हमारा दिल साफ होना चाहिए, ठीक है, दिल हमारे दिल में भगवान का बसेरा होना चाहिए, दिल, ये देखिए यहाँ पे दिल। आगे है दरिया, दरिया मतलब सागर समुद्र, देखिए जिसे हम बहुत सारे शब्द से जानते हैं, ये यहाँ पे है दरिया, देखिए की मात्रा। आगे वाला शब्द है तिनका, ठीक है, जो सूखी हुई घास होती है, देखिए हरी हरी घास जो होती है ना वो सूख जाती है, उसके बाद वो अलग हो जाती है और हवा में उड़ता रहता है ना, उनका जो तिनका तणक जो इसलिए लगे हम बोलते हैं तिनका। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमली, अभी यहाँ पे हमें ये बड़ी ई है लेकिन इसके बारे में हमें नहीं देखना है, यहाँ पे ये जो छोटी है उसके बारे में। कई शब्द ऐसे है जो ई की मात्रा से ही शुरू होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इमली। दूसरा शब्द है इमली, ठीक है। तीसरा शब्द है इमारत, ठीक है, तो यहाँ पे है ये नहीं देखना है हमें, यहाँ पे देखना है यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, इमली। कई ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें दोनों मात्राएं होती है, छोटी ई भी होती है और बड़ी ई भी होती है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे छोटी ई की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, इमली इडली। बहुत सारे मतलब जो दक्षिण के लोग जो हमारे दक्षिण के लोग खाते हैं इडली डोसा वगैरह, ठीक है, यहाँ पे टीका। और यहाँ पे आगे देखिए निकट, निकट शब्द का अर्थ है पास, ठीक है, निकट, देखिए यहाँ पे जो छोटी की मात्रा है। दूसरा शब्द है हिस्सा, ठीक है, मतलब क्या है, हमने जो खरीदी की है ना उसका सब हिस्सा रखना पड़ता है, कार्य में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, हिसाब। आगे वाला अंतिम शब्द है हिरण, हिरण मतलब जो जंगल में मिलता है, ठीक है, हिरण, जू में भी हम जाते हैं वहां पे भी बहुत सारे प्राणी हमें मिलते हैं, उसमें है हिरण, ये जो छोटी की मात्रा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को छोटी की मात्रा वाले शब्द जो है वो समझ में आए होंगे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।